आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गैस, अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास वो है कि एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है और ये क्या करेगा, हेलो और वर्ड को 2 सेकंड के बाद जो है प्रिंट करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत ही सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल सी प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन। बट क्योंकि हमने IIFE पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए हम IIFE का इस्तेमाल करेंगे। तो IIFE को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, जो कि रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस। ठीक है, वही अपना सिंटेक्स रिजॉल्व रिजेक्ट, और इसके बाद ये भी एक एरो फंक्शन है। और हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मैं सिंपली मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना है, और जो भी आया है मेरे पास प्रिंट होने को, लेट अस से टेक्स्ट आया है तो मैं टेक्स्ट कर दूंगा, टेक्स्ट को मैं इसे भी पास करूंगा एंड दैट शुड बी फाइन। ठीक है, इनफैक्ट इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही प्रिंट हो जाएगा। और मैं इसको इनफैक्ट रिजॉल्व करूँगा विद द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट, ना कि मैं इसको ऐसे करूँगा, तो मैं रिजॉल्व करूँगा विद द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बनाऊँगा। तो ये मेरा इन्वोक हो जाएगा फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन होने वाला है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अवेट और लिख दूँगा यहाँ पर ए। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा हेलो, और ये मुझे करना है प्रिंट 2 सेकंड में, तो यहाँ पर 2000। और सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पर हेलो 2 लिखता हूँ अगर, और इसको चलाता हूँ, तो आई वांट टू सी इफ दिस वर्क्स। तो आप यहाँ पर देखो, कह रहा है एसिंक इज ओके, तो मुझे यहाँ पर यार इसको एसिंक भी तो बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको रीलोड करूँगा, वेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस। तो यार मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, मैं कहूँगा लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू अवेट ए हेलो और कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट, एंड सिमिलरली मैं टेक्स्ट इज इक्वल टू फिर इसके बाद अवेट ए हेलो 2 कर दूंगा, और उसके बाद मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। और ये कह रहा है अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन, तो इस फंक्शन को एसिंक बनाना भी मेरा ही काम है। एंड फाइनली 2 सेकंड के बाद हेलो, और हेलो 2 सेकंड के बाद, और हेलो 2 आपको यहाँ पर मिलेगा। बट क्वेश्चन मेरा वर्ड कह रहा था प्रिंट करने के लिए, तो ठीक है यार, वर्ड प्रिंट कर देंगे, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, हेलो वर्ड, ठीक है, काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स इन एन अरे यूजिंग स्प्रेड सिंटैक्स। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और वो फंक्शन क्या होने वाला है, वो फंक्शन सिंपली क्या होगा कि रिटर्न करेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और मैं यहाँ पर ए बी और सी को पास करूँगा, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लेट एक्स इज इक्वल टू एक एरे होगा मान लो 1, 3 और 5, और मैं यहाँ पर इसका नाम मैं ज़रा रख देता हूँ फंक्शन का सम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग सम और ट्रिपल डॉट लगाकर मैं एक्स लिख दूँगा। इससे क्या होगा, जो एक्स होगा वो मेरा पास हो जाएगा, एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो पास हो जाएंगे ए बी एंड सी के तौर पर। ठीक है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो आप लोग 9 प्रिंट होके आ गया यहाँ पर, और हेलो वर्ड भी आएगा, मैंने ये लगा रखा है यहाँ पर इसलिए। बट लेट मी डू समथिंग, मैं इस फंक्शन को इन्वोक ही नहीं करूँगा, या फिर रहने देता हूँ, हेलो वर्ड ही तो है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिजॉल्व्स द प्रॉमिस आफ्टर एन सेकेंड्स, द फंक्शन टेक्स एन एज द पैरामीटर, यूज एन IIFE टू एग्जीक्यूट द फंक्शंस विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। तो मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन नंबर 1 को ही रिपेयर कर लूँगा। अब आपको कि रिपेयरिंग क्यों कर रहे हो भाई, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई बाय एन करूँगा। ठीक है, और एन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मैं 2 कर दूँगा, तो अगर कोई पास ही नहीं करेगा कोई वैल्यू, तो एन की वैल्यू 2 रहेगी, और जिसका मतलब ये है कि आपका ये जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट होगा एज इट इज़। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, 9 हुआ, फिर हेलो होगा, फिर 2 सेकंड के बाद वर्ड प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है वो ब्रेक नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं पास कर सकता हूँ ए को एक वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से मैं करूँगा, मैं करूँगा आई एम रिजॉल्विंग आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1। ठीक है,
फिर मैं सिमिलरली क्या करूँगा, इसको कर दूँगा वेट आई एम रिजॉल्विंग आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है, या 4 सेकेंड्स, और यहाँ पर मैं 4 कर दूँगा एंड लेट मी सी इफ दिस वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप गिनती करना शुरू करो एक बार पेज लोड हो जाए, ये कह रहा है कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कैसा मजाक है रे बबुआ, कंसोल ही डॉट लॉग को फंक्शन नहीं बता रहा, ये कैसा मजाक है, ई का दिक्कत आ रही है, कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन, लेकिन कंसोल डॉट लॉग तो एक फंक्शन होता है, ये कैसा मजाक है, कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग किया, टेक्स्ट किया, ये रिजॉल्व हुआ, क्या दिक्कत आ रही है भाई, अनकॉट टाइप है, कंसोल डॉट लॉग ट्रिपल डॉट इज़ नॉट अ फंक्शन, 25वीं लाइन पे आ रहा है ये एरर मेरा, कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन। एक्चुअली पता है क्या है, मुझे यहाँ पर सेमी कोलन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक आई एफ ई लिख रहा हूँ, तो मुझे ऊपर वाली लाइन से सेपरेट करने के लिए ऐसा करना होगा, तो अब जो है ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नो आया, आई एम रिजॉल्विंग आफ्टर 1 सेकेंड, फिर प्रिंट होगा आई एम रिजॉल्विंग आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं कितने भी सेकेंड के बाद रिजॉल्व करा सकता हूँ, तो इसीलिए कभी कभी जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन जो है वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता चली इस प्रैक्टिस सेट से। राइट अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो यार बहुत ही सिंपल है, और ये इतना सिंपल है कि मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इसको मजाक मजाक में ही कर दूँगा, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये करने के बाद पी आर टी बाय 100 ये बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो अगर आपने 1,000 रुपये एट यू नो इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% दिए किसी को 1 साल के लिए, तो आपको कितने वापस मिलेंगे, अगर 5% आपको रिटर्न मिलना है उस पर, तो अभी आपको पता चल जाएगा कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1,005 और 1 क्यों प्रिंट हो गया है, पर रिटर्न पी आर टी बाई 100 था। ओ मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को भी तो कॉल करना है यार, मैंने भी सीधा कंसोल डॉट लॉग को ही कॉल कर दिया, मैं भी ना। अब देखना आप लोग यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कितने पैसे आपको मिलेंगे, 1,000 रुपये आपने दे रखे हैं किसी को 5% इंटरेस्ट पर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, अरे कहाँ गया, 50 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 50 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनता है अगर 5% आप निकालो 1 साल के लिए, तो अगर 100 रुपये दिए आपने किसी को 1 साल के लिए निकालते हैं तो 5 रुपये बनते हैं, तो सबको पता है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। कितने मिलने वाले हैं पैसे आपको, उसमें आपका जो प्रिंसिपल है उसमें जोड़ दो आप, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आप कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये कोर्स अच्छा लगा। अब हम बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, कई चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग ट्यून्ड रहो, बहुत घमासान प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।